Now that rate was 3,000. इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओपनिंग बैलेंस. इन्वेस्टमेंट तुमने अभी खरीदा है, सेल था. अगर कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा होता तो फिर वो अज्यूम करते लास्ट ईयर. इन्वेस्टमेंट को होता नहीं है, राइट ऑफ होते हैं. वो तो समझो ऐसा दिया है, यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 2,000, इधर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 2,000, तो अज्यूम करने का इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 2,000. ब्रिंग इट टू दिस ईयर, फिर से 2-2 0, फिर परचेज ये 570, और फिर रिटर्न ऑफ है तो इसके ऊपर लेस रिटर्न. अगर कुछ सेल हुआ तो ही वो एसेट क्लास, नहीं तो कुछ अज्यूम करने की जरूरत. ओके गाइस, क्लियर विद दिस पार्ट? नेक्स्ट वन एफडी पे हिडन है ना, करेंगे बाद. मेंबर सब्सक्रिप्शन पे आ जाओ पहले. नाउ गाइस डोंट टॉक, यू वोंट अंडरस्टैंड. मेंबर सब्सक्रिप्शन इट इज, मेंबर सब्सक्रिप्शन इट इज 4,000 rupees उतना मिला है, लेकिन इसमें कुछ लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है, दिख रहा है? कितना पड़ा हुआ है लास्ट ईयर? 660 की 600. कितना माइनस करूं? कि माइनस करना भी है कि नहीं करना है? एक साथ दिया ना, तो करना पड़ेगा उसके अंदर. अच्छा माइनस कितना? 600. उतना ही रिसीव, उतना ही माइनस करूंगा, बराबर है. एक्चुअली 660 वॉज रिसीवेबल, लेकिन मिला सिर्फ 600. LY आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन LY लास्ट ईयर. कैन राइट LY एज 06, दोनों चले. नेक्स्ट नेक्स्ट इज एक और डॉटर. व्हाट इज दैट? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. ओके, हाउ मच इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग? 800. एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर CY, दैट इज व्हाट? 400. So 4,200 in the outer call, बराबर है. Next is entrance fees. Is there any info about entrance fees? Add to capital. Capitalized. Nothing is given capitalized. So add to capital fund. इसका assumption लिखना है. I'll give you in writing. Okay. Add entrance fees. This is 275. Donations. Is there any info about donation? Income. No info about donation. Put it under income. Write your assumption. Give you in writing that also. 500. Interest on FD पे dot है ना? इस पे hidden adjustment है. क्या dot है? देखो. Interest on FD मिला 90 है. लेकिन कितना मिलना था? Actually 180 मिलना था, उसमें से 90 मिला. मतलब 90 still receivable. So add outstanding interest on FD. That's 90. So total is 180. Is that clear? Yes. 180 rupees total income हो चुकी है current year. Tournament fund is what? Liability and expense, उधर से minus sale of crockery. Less from sale of crockery में क्या करना था अपने को? Book value minus किया and you have to record your gain or loss. So gain था, loss था. 80. Profit था ना, सो इनकम साइड. लॉस होता तो एक्सपेंस साइड. सो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी, हाउ मच इज योर प्रॉफिट? 200 माइनस 120, दैट इज 80. सो 200 रिकॉर्ड नहीं करना है, उसके जगह पे 120 और 80. लेस फ्रॉम क्रॉकरी बुक वैल्यू एंड योर प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट. मंथली सैलरी वॉज 100, उसके हिसाब से 1200 होना चाहिए. पे किया था 1100. सो एड टू सैलरी एंड सेकेंड इफेक्ट इट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ 100 लाइव. वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प, दैट इज स्टॉक. यू हैव ओपनिंग स्टॉक, यू हैव क्लोजिंग स्टॉक, राइट? ओपनिंग स्टॉक एड, क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट. ओपनिंग का दूसरा इफेक्ट इज लास्ट ईयर एसेट. स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प
इतना था लास्ट ईयर का, इट वॉज 75 एंड करंट ईयर स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स दैट्स 90 रुपीज. सिमिलरली यू हैड स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग लास्ट ईयर एसेट स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स एंड वॉज 321 स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स दिस ईयर इट इज 280. ओके, अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन ध्यान से देखना. हाउ मच वॉज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर? वॉज एक्चुअली 660, इसमें से 600 मिला था यहाँ पे, दिख रहा है? सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच विल राइट इन टोटल फॉर लास्ट ईयर? सो इट विल बी 616, 600 + 60, और ये साल 60, और ये साल स्टिल इन अरियर्स इज 60 रुपीज. ये साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर जो अभी भी मिलना बाकी है दैट इज 60. दिस वॉज लास्ट ईयर का अभी मिलना बाकी है एंड देर वॉज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वॉज 800. एंड करंट ईयर एसेट अगेन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 800. सो टोटल अभी भी 860 मिलना बाकी है. 860 अभी भी मिलना बाकी. समझो ये 800 और ये 60 नेक्स्ट ईयर मिलते हैं तो क्या करना है तुमको? दोनों सब्सक्रिप्शन में क्या करो? लेस करो. दोनों लेस हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन अगर मिलते हैं तो. अगर नहीं मिले तो वापस नेक्स्ट बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होते हैं. जिस साल मिले उस साल माइनस, क्योंकि उस साल को बिलोंग नहीं करते. एड तो उसी साल हो जाते हैं जिस साल वो आउटस्टैंडिंग होता है, उधर ही स्टोरी खत्म हो जाती. फिर तो माइनस ही करना है जिस साल रिसीव किया उस साल. ओके, ये सब होने के बाद गो टू हिडन एडजस्टमेंट. वॉज देयर एनी हिडन एडजस्टमेंट? नो. इंटरेस्ट ऑन एफडी, वन इफेक्ट इज योर एड टू इंटरेस्ट. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? सो एसेट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना मिलना बाकी है? तो 90. अरे दैट्स इट. कैलकुलेट योर कैपिटल फंड 7266. ये चेक कर लो 7266. ओपनिंग कैपिटल फंड इज 7266. लास्ट ईयर का क्लोजिंग 7266. हाउ मच इज योर सरप्लस और योर डेफिसिट? 5015. डेफिसिट ऑफ 54 रुपीज. ओके, क्या करना है? ये तो माइनस कैपिटल बैक डाउन नोट्स नंबर 1 सबके नीचे नीचे जगह नहीं रहेगा तो चार पांच लाइन है. पांच छह लाइन चार पांच आधा साइड ही ले लो. फर्स्ट पेज पे इधर लिखा है 2 पॉइंट. फर्स्ट पेज पे एक्चुअली सम का 2 नोट है और एक एक्स्ट्रा नोट है. पहले सम का 2 नोट लिख लो, वो उधर ही हो जाएगा. पहले सम का नोट है ना, उधर ही नीचे लिखो. Since no info is given, since no info is given about entrance fees and donations, since no info is given about entrance fees and donations,
we assume they are capital receipt and revenue receipt respectively. Since no information is given about entrance fees and donations, we assume they are capital receipt and revenue receipt respectively. We assume they are capital receipt and revenue receipt respectively. Capital receipt matlab ye add to capital fund. And revenue receipt matlab income. Dono assume kar sakte hain. This is generally what we take. Okay. कुछ नहीं दिया तो बेटर अज्यूम एंट्रेंस फीस लाइफ मेंबरशिप फीस लेगेसी जस्ट कैपिटल मैंने दिया हुआ है लिस्ट और डोनेशन कुछ नहीं दिया है तो रेवेन्यू ओके ये तो था सम वाला नोट ओके प्रॉब्लम का अभी एक्स्ट्रा नोट है वो सम में इधर जगह है तो इधर नहीं तो स्टार्टिंग में चार लाइन में आ जाए व्हेनेवर there is a sale of any asset whenever there is a sale of any asset then we assume that the sold asset belongs to last year then we assume that the sold asset belongs to last year full stop next point even we continue karna even if there is no info about that asset in the last year even if there is no info about that asset in the last year even if there is no info about that asset in the last year comma we assume that we had the asset worth the book value of sale we assume that we had the asset worth the book value of sale we assume that we had the asset worth the book value of sale alright so agar nahi bhi hai to assume karna book value jitna asset khada hua hai come to sum number 9 9 sum two balance sheets no capital almost all the sums are two नेक्स्ट मंडे टेस्ट है एनपीओ टेस्ट प्लस लेक्चर दोनों रहेगा अच्छा कॉलेज में वेनसडे टू संडे ऑफ है ना बट वेनसडे टू संडे कॉलेज वाले सबको है फर्स्ट फाइट है सर हम लोग को नहीं देते ऑल कॉलेजेस है फर्स्ट फाइट है ऑलरेडी है नहीं ऑलरेडी हम भी सर आपके रिलीजन में कुछ आता नहीं है करते ही नहीं हम कुछ आई एम सेक्युलर सिंगुलर Ninth one. The following is the receipt and payment account of Lakshmi Cultural Society, Pune, for the year ended 31st March 2007. Okay? Dhyan se mark karo. Very first item you have bank OD on 1406. Bank OD on 1406. That is receipt. What is it? LYL. LYL. That's last year ka liability. What it is opening balance. कैश बैंक में कैश का नॉर्मल है बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट नहीं क्या बाबा अरे 2000 से आई बोले गए परसेंटेज हो जाए तो इधर एडजस्टमेंट ये तो ओपनिंग बैलेंस है कैश बैंक नॉर्मल दिया होता है तो लास्ट ईयर एसेट है ना ये कैश नॉर्मल है बैंक ओडी क्रेडिट बैलेंस है बैंक का क्रेडिट बैलेंस सो एक एसेट एक लाइबिलिटी मिला सो कैश इज एसेट ऑफ लास्ट ईयर एंड बैंक ओडी इज लाइबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर मिला कि नहीं फर्स्ट लाइन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज
कौन सा एसेट तो करंट ईयर ओके ये सब करंट ईयर का है फर्नीचर इज एसेट सैलरीज आर एक्सपेंस स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग आर एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग ड्रामा इज एक्सपेंस मिसलेनियस एक्सपेंस इज एक्सपेंस कैश बैंक इज क्लोजिंग में कोई ओडी नहीं है क्लोजिंग में दोनों एसेट ही है ओपनिंग में कैश इज लास्ट ईयर एसेट और बैंक ओडी इज लास्ट ईयर लाइबिलिटी सब्सक्रिप्शन तीन दिया है 5, 5, 6, 6, 7, 7 व्हाट इज द करंट ईयर 6, 7 तो 5, 6 बिकम्स लास्ट ईयर तो किधर जाएगा लास्ट ईयर एसेट लास्ट ईयर मिलना बाकी था ये साल मिला है बराबर 6, 7 किधर जाएगा तो इनकम जाएगा एंड 7 करंट ईयर लाइबिलिटी इज देयर एनी नीड टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग अलग अलग दिया है मिलावट नहीं है ओके और 16,650 को इग्नोर करना दैट इज अ सब टोटल यू गॉट इट प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा इट इज इनकम एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो कुछ दिया है कैपिटलाइज थर्ड पॉइंट पे दिया हुआ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज क्या करना है एड टू कैपिटल फंड एड टू कैपिटल फंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या करना है तो इनकम सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट सेल प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर व्हाट इज दैट सेल प्रोसीड सेल ऑफ फर्नीचर 120 इज विच वैल्यू सेल वैल्यू जस्ट सर्कल इट एंड इग्नोर इट 120 में भी रिकॉर्ड नहीं करना सर्च फॉर बुक वैल्यू सर्च फर्नीचर सोल्ड का बुक वैल्यू कहीं पे भी दिया है मतलब यही समझ लो कुछ नहीं दिया है बुक वैल्यू का कोई इन्फो है नहीं तो वी अज्यूम दैट सेल वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू जितने का था उतने में बेचा 120 का ही था 120 में ही बेचा लेकिन ये 120 रिकॉर्ड नहीं करना है हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू इसीलिए 120 ये सेल वैल्यू है सेल वैल्यू को कहीं रिकॉर्ड नहीं करने का अज्यूम सेल वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू इसीलिए वी विल सब्ट्रैक्ट बुक वैल्यू ऑफ 120 फ्रॉम द फर्नीचर नाउ इफ सेल वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस नथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ इनकम और एक्सपेंस बुक वैल्यू इज 120 लिख लो उधर तो वही है लास्ट ईयर फर्नीचर नहीं दिया तो क्या अज्यूम कर क्यों करना है समझा अभी अभी क्या है ना क्रॉकरी आ रहे हैं उसके ऊपर आ रहे हैं बुक वैल्यू अभी समझा 120 नेक्स्ट वन क्या हो गया नेक्स्ट वन सोसाइटी हैज 1800 मेंबर्स नीचे पढ़ो एडजस्टमेंट Society has 1800 members, each paying an annual subscription of rupees 10. 1800 into 10. कितना होता है 18,000. इतना इनकम इस साल का होना चाहिए ये जो 18,000 है ये आउटर कॉलम में दिखना चाहिए That is a good. मिला कि 16 to 1. How much? अनिकेत जी अरे दो मिनट क्या कर रहे हैं अरे नहीं मैं उसको अरे वो मेरे को सर क्या समझा पूछ रहे हैं मेरे को समझ रहा है सर वो 1800 इनटू 10 प्लीज लिसन नाउ 1800 इनटू 10 इट इज व्हाट 18,000 और मिला कितना है तो 16,200 तो कितना मिलना बाकी है तो 1800 व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड करंट ईयर एसेट इज दैट क्लियर सर वापिस आइए 1800 मेंबर है ना इनटू 10 किया तो कितना होता है 18,000 कितना इनकम होना चाहिए और मिला कितना है ऊपर करंट ईयर का लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर तो अलग ही है करंट ईयर का 16,200 तो कितना मिलना बाकी लेस 18,000 माइनस 16,200 वो मिलना बाकी है ना वो क्या होगा आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर सो क्या होगा ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट आगे आता हूँ बाबा ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये समझा कि नहीं करंट ईयर एसेट एंड ऐड टू सब्सक्रिप्शन अभी आगे बढ़ो एन अमाउंट ऑफ 390 वॉज इन अरियर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 06 इज इट स्टिल इन अरियर्स टू वॉज इन मतलब क्या लास्ट ईयर 390 मिलना बाकी था इसमें से 300 मिला है मतलब 90 स्टिल इन ऑल ऑफ यू क्लियर एनी डाउट इन दिस सो लास्ट ईयर एसेट हाउ मच 390 करंट ईयर एसेट 90 इधर कुछ दिखेगा नहीं अलग अलग दिया हाँ अलग अलग दिया तो करंट ईयर में कुछ माइनस करना है 300 वगैरह नहीं नहीं लास्ट टाइम में किया था ये 600 रुपया गॉट इट क्यों किया था क्योंकि ये इंक्लूडेड था एक ही सब्सक्रिप्शन था तो सब उसके अंदर पड़ा हुआ यहाँ पे तो ईयर वाइज दिया हुआ है तो वो 16,200 के अंदर 300 नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है गॉट इट हाँ अगर तुम 16,650 लेते ना
सब्सक्रिप्शन एक ही कंसिडर करते तो दोनों एडजस्टमेंट तो लास्ट ईयर का भी माइनस होता है नेक्स्ट ईयर का भी माइनस होता है सब कर बट यहाँ पे लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है तो बोलो सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर एसेट हाउ मच 390 एंड करंट ईयर एसेट 90 दैट्स इट अरे आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यू टेल मी करंट ईयर एसेट लास्ट ईयर एसेट 300 सोचो सोचो हाउ मच यू विल राइट इन लास्ट ईयर एसेट 300 और 390 व्हाई नॉट 300 क्योंकि दिया है 390 एडजस्टमेंट पहले जन इज आंसरिंग खुशी इज आंसरिंग पलक इज ब्लैंक टू मतलब हम लोग ऐसे है क्या ऐसे नहीं आंसरिंग दैट इज अ गुड थिंग बट यू आर ब्लैंक व्हाट इज द इश्यू टू ध्यान किधर है सुनाई नहीं दे रहा पढ़ो ना सेकेंड लाइन पे सब दिया हुआ है व्हाट इज द इन्फो सब्सक्रिप्शन वॉज इन अरियर्स दिया हुआ है हाउ मच इट वॉज इन अरियर्स 390 सेकेंड लाइन ओके इज इट स्टील इन अरियर्स नो वॉज इन अरियर्स मतलब लास्ट ईयर कितना मिलना बाकी था 390 फिर रिसीट साइड पे देखो कितना मिला है 300 मिला है मतलब और कितना मिलना बाकी है 90 सो लास्ट ईयर एसेट वुड बी 90 सो लास्ट ईयर एसेट वुड बी 390 करंट ईयर एसेट वुड बी 90 इज दैट क्लियर और सब्सक्रिप्शन में से कुछ माइनस करना है कि नहीं 300 करना है नहीं वो इधर आ गया आ गया बराबर है ना तो इसीलिए तो माइनस करना है ना नहीं क्यों ये साल क्यों माइनस किया इस साल में क्यों माइनस किया था ना माइनस यू टेल मी द आंसर लास्ट साल में क्यों माइनस किया अलग अलग है इसके लिए ये बेलपुरी था बराबर है इसके लिए माइनस किया अभी अलग अलग है तो माइनस करने की जरूरत है नहीं ऐसा उसको समझाओ खाली लिख के भागो मत क्या है करो छापो भागो हो गया कर जाए दो मिनट में भूल जाओ गजनी ओके अंडरस्टैंड एंड ओके सब तुमको मैं शुरू में बोला था 70-80% ऑफ द मिस्टेक्स हैपन इन सब्सक्रिप्शन एनपीओ का 70-80% मिस्टेक सब्सक्रिप्शन में ही होता है यस छोटा सा छोटा सिली एरर्स बचा बाकी मेन मिस्टेक हैपेंस इन सब्सक्रिप्शन ओके सो बी वेरी केयरफुल विथ इट नेक्स्ट पलक भट्ट समझा नेक्स्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बी पॉइंट पढ़ो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन रिस्पेक्ट सॉरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March 06 was 125 31st March 07 is 87 ओपनिंग एंड क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक क्या करना है तो एड क्लोजिंग क्या करना है तो माइनस ओपनिंग का दूसरा इफेक्ट इज लास्ट ईयर एसेट क्लोजिंग का करंट ईयर लास्ट ईयर एंड करंट ईयर एसेट एंट्रेंस फीस हो गया सैलरी ऑफ 5 एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज हो गया सैलरी ऑफ 550 फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज आउटस्टैंडिंग कौन सा आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की लास्ट ईयर सो एड टू सैलरी एंड करंट ईयर लायबिलिटी इज इट क्लियर प्लीज पे अटेंशन आउटस्टैंडिंग सैलरी एड टू सैलरी एंड करंट ईयर लायबिलिटी इज इट क्लियर नाउ एक्सपेंसेस अक्रूइंग अप टू 31st March 06 अमाउंटेड टू 132 What is expenses accruing to 31st March 06? Outstanding of which year? Last year. Last year का outstanding expense क्या करना? Last year liability और less क्या है? Less because last year का payable था ना? किसमें से less करना है? Miscellaneous. और कुछ है ही नहीं expense में miscellaneous ही है ना? हाँ miscellaneous expense. Okay. Outstanding expense एक ही है miscellaneous expense. Miscellaneous expense में से less. Is this clear? समझा वो था क्या आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर ऐड किया पे ये सारे किया लेकिन डजंट बिलोंग टू दिस ईयर तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर लाइफ एनी डाउट गॉट दैट द सोसाइटी हैज पेड 500 ध्यान से पढ़ना द सोसाइटी हैज पेड 500 रुपीज इन द ईयर 56 टुवर्ड्स टेलीफोन चार्जेस ऑफ विच 125 रिलेट्स टू द ईयर 67
व्हाट आर द डॉक्यूमेंट ऑफ लास्ट ईयर लास्ट ईयर में प्रीपेड व्हाट इज इट प्रीपेड ऑफ करंट प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर प्रीपेड ऑफ दिस ईयर मतलब इस साल तुमने नेक्स्ट ईयर का भी दिस इज प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर हाउ मच इज प्रीपेड 1.25 आर वी डीलिंग विद दैट 500 रुपीज नथिंग डूइंग वो तो एक्सपेंस उसका लेना देना नहीं 125 प्रीपेड था लास्ट ईयर का What are the two of last year's prepaid? Last year as well and what? Add to expense. Add to telephone. Telephone hai kya? Bana sakte hain, but idhar miscellaneous mein dal do. Chal sakte hain. Can put it in miscellaneous. Banaya to bhi chalega. Can put it in miscellaneous also. Okay? Miscellaneous mein dal sakte hain. Kya hai na last year petty cash? Wohi hai. Sunday miscellaneous expense. One second I'll repeat. सर इसको नहीं समझा बता रहा हूँ सुनो सुनो लास्ट ईयर तुमने टेलीफोन बिल 500 रुपए का पे किया था उसमें से करंट ईयर का 125 रुपीज था लास्ट ईयर का 375 का ही था करंट ईयर का 125 तुमने लास्ट ईयर पे कर दिया इस साल तो लास्ट ईयर क्या किया होगा माइनस लास्ट ईयर है ना करना था 375 पे लेकिन तुमने 500 पे कर दिया तो प्रीपेड था प्रीपेड का एक्स्ट्रा पे कर देता ना कभी कभी तो लास्ट ईयर यू पेड एक्चुअली 500 बट यू हैड टू पे ओनली 375 125 वाज एक्स्ट्रा तो सपोज यू आर इन द लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर का प्रीपेड क्या करोगे तुम उधर माइनस करोगे एंड एसेट्स में डालोगे तो करंट ईयर लास्ट ईयर करंट ईयर एसेट में 125 अरे लास्ट ईयर का एसेट में 125 क्योंकि लास्ट ईयर के लिए वो करंट ईयर था ऐसा अभी वो 25 करंट ईयर में यूज होगा दैट इज द फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर तो क्या करोगे ओपनिंग स्टॉक क्या किया था व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर वही ओपनिंग स्टॉक और लास्ट ईयर का प्रीपेड एक ही है और क्लोजिंग स्टॉक और करंट ईयर का प्रीपेड एक और इधर मिसलेनियस में एड ओके समझा सबको 125 रुपीज पेड वॉज प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर सर नया अकाउंट ना बनाए टेलीफोन चार्ज बना सकते हो अलग से दिखा तो भी चलेगा मिसलेनियस में क्या दोगे बोलते वे सेट इफेक्ट समझा एक तो लास्ट ईयर एसेट और करंट ईयर में यूज किया तो करंट ईयर मिसलेनियस में भी एड कर सकते हो या अलग से टेलीफोन बताया तो भी चलेगा 125 ओके सो लिख दो उधर लास्ट ईयर एसेट एंड एड टू एक्सपेंस एड टू मिसलेनियस ओके तो मिसलेनियस में दो डॉट्स है एक तो वो 132 था वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था और ये लास्ट ईयर का प्रीपेड सी लास्ट ईयर का प्रीपेड क्या है स्टॉक ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर का प्रीपेड क्या है क्लोजिंग स्टॉक उसी के साथ रिलेट करो सेम ही चीज है तुम सिंपल ओके ओपनिंग एड करते हो तो लास्ट ईयर प्रीपेड एड क्लोजिंग लेस करते हो तो करंट ईयर प्रीपेड लेस वही है एट 31st मार्च बोलते नेक्स्ट 31st मार्च 06 व्हाट इज 31st मार्च 06 लास्ट ईयर द प्रीमाइसेस स्टैंड्स एट 24,500 मतलब ये कहां से आ रहा है लास्ट ईयर लास्ट ईयर एसेट ब्रिंग इट टू करंट ईयर व्हाट दैट फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट्स भी लास्ट ईयर का आया हुआ है लास्ट ईयर एसेट ब्रिंग इट टू दिस ईयर एसेट गॉट दैट डेप्रिशिएट प्रीमाइसेस एंड करंट लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर ओके अभी एक और चीज है सेल ऑफ फर्नीचर पे आ जाओ मैं अभी अभी डिस्कस किया था ऊपर सेल ऑफ फर्नीचर था ना 120 का डू यू हैव एनी फर्नीचर इन द लास्ट ईयर नो हैव दे गिवन एनी इन्फो स्टिल यू नीड टू अज्यूम के कुछ फर्नीचर लास्ट ईयर में था और कितने का था 120 का क्योंकि बुक वैल्यू वॉज 120 कौन सा वैल्यू पकड़ना है बुक वैल्यू माइनस वही करना है कितने में बेचा वो इम्पोर्टेंट नहीं है कितने का बेचा वो इम्पोर्टेंट उतना लास्ट ईयर से आया और फिर बिक गया तो फर्नीचर अज्यूम करना है कि लास्ट ईयर में कितने का था तो 120 ब्रिंग इट टू दिस ईयर एंड देन यू सेल डू यू हैव एनी परचेज ऑफ फर्नीचर वो बाद में आएगा 1450 एड होगा और डू यू हैव एनी डेप्रिसिएशन तो वो होगा 1450 अजम्पशन है फर्स्ट डेट परचेज एंड फर्स्ट डेट इज दिस क्लियर 1450 पे 145 नेट प्राइस जो भी आया सर बुक वैल्यू 100 दिया रहता था तो लास्ट ईयर में 100 आएगा यस बुक वैल्यू 100 होता तो लास्ट ईयर 100 ब्रिंग इट टू दिस ईयर
डू यू हैव एनी हिडन एडजस्टमेंट? नो. एनी डाउट्स? एनी एडजस्टमेंट में कुछ बोल दो. अभी डॉट्स दे दो ध्यान से. सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, करंट ईयर पे कितना डॉट? एक, दो, तीन, सिर्फ एक. करंट ईयर जस्ट वन डॉट. गॉट इट? आउटस्टैंडिंग है ना 1800 रुपया, बस वही है. लास्ट ईयर पे कुछ करना है डॉट? एक आएगा. क्यों आएगा? 390 वाला. ऊपर 300 था और लास्ट ईयर ऐसा कितना लिखना है तो 390 300 प्लस 90. और स्टेशनरी पे दो डॉट. स्टॉक्स है ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिला. मिसलेनियस एक्सपेंस पे दो डॉट. आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर. सैलरीज पे एक डॉट. 550 इज आउटस्टैंडिंग. फर्नीचर पे कितना? एक. नहीं, दो. एक, तीन. सेल एंड डेप्रिसिएशन. थ्री डॉट्स ऑन फर्नीचर. सेल भी है, परचेज भी है और डेप्रिसिएशन भी. सब इज इट क्लियर? 120 वाला अजम्पशन है ना लास्ट ईयर से आ रहा है. लास्ट ईयर से करंट ईयर में 120 लाया, फिर सेल, फिर परचेज, एसपीडी. तीनों चीजें हैं. लिसन नाउ, सेल, परचेज एंड डेप्रिसिएशन. थ्री डॉट्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन. प्रीमाइसिस पे क्या है? प्रीमाइसिस पे कितना डॉट है? इन्वेस्टमेंट्स पे करना है? नहीं. इन्वेस्टमेंट क्या है? देयर इज अ डॉट. व्हाट इज अ डॉट ऑन इन्वेस्टमेंट? परचेज किया है. सिक्योरिटीज दिख रहा है? सो ऐड कर दो. ओके, सेल नहीं है, परचेज है. डेप्री भी नहीं. डॉट्स देख लो. सैलरीज वन, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग टू, मिसलेनियस एक्सपेंस टू, सेल प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर पे तीन है. ओके, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर पे, करंट ईयर पे और प्रीमाइसिस नीचे मिलेगा उस पे, इन्वेस्टमेंट नीचे मिलेगा उस पे. ऊपर भी कर सकते मिला. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एड सिक्योरिटीज किया है ना, तो एड कर दो. सेल नहीं है, परचेज. चलो स्टार्ट करो. साथ में करो टू बैलेंस शीट. सब आराम से नहीं, इग्नोर करना है. यू आर मैथ्स स्टूडेंट? यस सर. थर्सडे को तुम्हारा लेक्चर नहीं है, वैसे भी हॉलीडे ही है. सर फ्राइडे को भी आप मत रखो. फ्राइडे को रहेगा, मैं तो नहीं आऊंगी. सर आप एक्सटेंड करोगे फ्राइडे को? हाँ वही सर, आपको.